हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस वीडियो में आपको मैं इंग्लिश कैलेंडर 1977 ईयर का आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको मैं पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। और हम इस्लामिक हिजरी की बात करते हैं तो ईयर जो है यहाँ पे 1397 और 1398 यहाँ पे आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे एंड तक यहाँ पे ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा जनवरी मंथ का यहाँ पे कैलेंडर है और ईयर जो है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1397 यहाँ पे है। और यहाँ पे 1 जनवरी को यहाँ पे मुहर्रम महीने की यहाँ पे 11 तारीख थी और जो दिन जो था वो सैटरडे का यहाँ पे दिन था। 1 जनवरी सैटरडे का दिन था, यहाँ पे मुहर्रम महीने की यहाँ पे 11 तारीख थी। और जो ईयर जो है मुहर्रम महीने के हिसाब से जो हिजरी ईयर जो है 1397 यहाँ पे चल रहा है। तो 1 जनवरी को यहाँ पे मुहर्रम की यहाँ पे 11 तारीख थी। अभी हम चेक करते हैं कि सफ़र की यहाँ पे पहली तारीख यहाँ पे कभी थी। तो सफ़र महीने की यहाँ पे जो पहली तारीख जो थी वो 21 मतलब 21 जनवरी को, 21 जनवरी को यहाँ पे सफ़र महीने की यहाँ पे 1 तारीख थी। और जो दिन दो जा जो दिन जो था वहाँ पे यहाँ पे वो फ्राइडे का यहाँ पे जो दिन था 21 जनवरी, 21 जनवरी को यहाँ पे सफर महीने की यहाँ पे पहली तारीख थी। और ईयर जो है वो 1397 सफर महीने का यहाँ पे है, हिजरी ईयर जो है 1397 यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया जनवरी मंथ का। अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो है फरवरी मंथ का। तो फरवरी मंथ के हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे, तो 1 फरवरी को यहाँ पे सफर की यहाँ पे 12 तारीख थी। फरवरी के महीने में यहाँ पे 2 महीने यहाँ पे आते हैं इस्लामिक मंथ के हिसाब से। सफर का महीना यहाँ पे आता है, सेकंड जो है रबी अव्वल का महीना यहाँ पे आता है। तो 1 फरवरी को यहाँ पे सफर की यहाँ पे 12 तारीख थी और ट्यूसडे का दिन था उस दिन यहाँ पे। और सफर महीने की यहाँ पे 12 तारीख थी 1 फरवरी को यहाँ पे। तो उसके हिसाब से सफर का महीना यहाँ से मतलब यहाँ पे 12, 13, 14 सफर यहाँ पे कंटिन्यू होगा। अभी हम चेक करते हैं कि रबी अव्वल की यहाँ पे पहली तारीख कभी थी। तो रबी अव्वल महीने की यहाँ पे जो पहली तारीख जो थी वो 19 फरवरी को यहाँ पे थी, 19 फरवरी को यहाँ पे सैटरडे का यहाँ पे दिन था और उस दिन यहाँ पे रबी अव्वल महीने की यहाँ पे पहली तारीख यहाँ पे थी। तो ये रबी अव्वल यहाँ पे पहली तारीख होगी, फिर ये 2 तारीख 3 तारीख ऐसे पूरी कंटिन्यू होती है। तो 28 फरवरी तक यहाँ पे जो रबी अव्वल महीने की यहाँ पे 10 तारीख थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है मार्च का महीना, मार्च के महीने में यहाँ पे देख सकते हैं 1 मार्च को यहाँ पे, 1 मार्च को यहाँ पे रबी सॉरी मार्च के महीने में यहाँ पे 2 मंथ यहाँ पे आते हैं, रबी अव्वल का महीना यहाँ पे आता है, रबी आखिर का महीना यहाँ पे आता है। तो 1 मार्च को यहाँ पे रबी अव्वल महीने की यहाँ पे 11 तारीख थी। 1 मार्च को यहाँ पे रबी अव्वल महीने की यहाँ पे 11 तारीख थी। और अभी हम देखते हैं कि रबी आखिर महीने की यहाँ पे पहली तारीख यहाँ पे कभी थी। रबी आखिर महीने की जो पहली तारीख जो थी वो 21 मार्च को यहाँ पे थी, 21 मार्च को मंडे का दिन था और उस दिन यहाँ पे रबी आखिर महीने की यहाँ पे पहली तारीख थी। तो हम देखते हैं कि 31 मार्च तक यहाँ पे जो है वो हमारा, 31 मार्च तक यहाँ पे जो है हमारा रबी आखिर की 11 तारीख थी। 1 मार्च को रबी अव्वल की यहाँ पे 11 तारीख थी और रबी आखिर महीने की जो पहली तारीख जो थी वो 21 मार्च को थी और 31 मार्च को यहाँ पे रबी आखिर की यहाँ पे 11 तारीख थी। अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट मंथ यहाँ पे जो हमारा है वो है अप्रैल का महीना। यहाँ पे मार्च का महीना हो गया, ये हमारा हो जाएगा अप्रैल का महीना यहाँ पे स्टार्ट होएगा। तो ये अप्रैल के महीने में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रबी आखिर का महीना है और जमादिल अव्वल का महीना यहाँ पे, रबी आखिर का महीना है जमादिल अव्वल का महीना यहाँ पे। तो 1 अप्रैल को यहाँ पे रबी आखिर की यहाँ पे 12 तारीख थी, फ्राइडे का दिन था और यहाँ पे 12 तारीख थी रबी आखिर महीने की। अभी हम देखते हैं कि जमादिल अव्वल की पहली तारीख कब से स्टार्ट हुई थी। तो 20 अप्रैल को वेनसडे का दिन था और उस दिन यहाँ पे जमादिल अव्वल महीने की यहाँ पे पहली तारीख यहाँ से स्टार्ट हुई थी। 20 अप्रैल को जमादिल अव्वल की पहली तारीख यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी और 30 अप्रैल को यहाँ पे जमादिल अव्वल महीने की यहाँ पे 11 तारीख थी। अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ जो है हमारा मई का। तो मई के हिसाब से यहाँ पे जमादिल अव्वल का महीना है और जमादिल आखिर का महीना है, जमादिल अव्वल का महीना है जमादिल आखिर का महीना यहाँ पे। 1 मई को यहाँ पे जमादिल अव्वल महीने की यहाँ पे 12 तारीख थी, संडे का दिन था। 1 मई को यहाँ पे जमादिल अव्वल महीने की यहाँ पे 12 तारीख थी, संडे का दिन था।
और उसके हिसाब से यहाँ पे मतलब जमादिल अव्वल का मैं ना 12, 13, 14, 15 ये सफर कंटिन्यू होगा। अभी हम चेक करते हैं कि जमादिल आखिर महीने की पहली तारीख कभी थी। तो जमादिल आखिर महीने की जो पहली तारीख जो थी वो 20 मई को थी, मतलब 20 मई फ्राइडे का दिन था और उस दिन यहाँ पे जमादिल आखिर महीने की यहाँ पे पहली तारीख थी 20 मई को। यहाँ पे 1 मई को यहाँ पे जमादिल अव्वल महीने की यहाँ पे 12 तारीख थी और 20 मई को यहाँ पे जमादिल आखिर महीने की पहली तारीख थी और 31 मई को यहाँ पे जमादिल आखिर महीने की 12 तारीख थी। ये हमारा हो गया मई का। तो मई के बाद ना यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो जून का। तो जून के कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे जमादिल आखिर का महीना है और रजब का महीना है। जमादिल आखिर का महीना है, रजब का महीना यहाँ पे है जून के इसमें। तो जून के हिसाब से यहाँ पे 1 जून को यहाँ पे जो है जमादिल आखिर महीने की यहाँ पे 13 तारीख यहाँ पे आती है। जमादिल आखिर महीने की यहाँ पे 13 तारीख है, वेनसडे का दिन था यहाँ पे। और यहाँ पे 18 तारीख को, 18 जून को यहाँ पे रजब की पहली तारीख थी। 1 जून को यहाँ पे जमादिल आखिर महीने की 13 तारीख थी, 18 जून को यहाँ पे रजब महीने की यहाँ पहली तारीख थी और 30 जून को यहाँ पे रजब की यहाँ पे 13 तारीख थी। जो दिन जो यहाँ पे था वो थर्सडे का यहाँ पे दिन था। तो ये हमारा हो गया जून का। अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो है जुलाई का। तो जुलाई के महीने में यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये ईयर जो चल रहा है वो नॉर्मली जो है 1397 यहाँ पे चल रहा है, 1397 यहाँ पे चल रहा है। जैसे आपने देख लिया फर्स्ट, मतलब आपको मैं जनवरी से अभी तक मैं जो जून तक जो दिखाया हूँ और जितने भी इस्लामिक मंथ यहाँ पे जो आया है इस मंथ में जनवरी से लेके जून तक उसका जो हिजरी यहाँ पे जो चल रहा है वो 1397 यहाँ पे चल रहा है, 1397। और यहाँ पे रिचभ की जब ईयर जो है वो 1397 ही है। तो जुलाई के महीने में यहाँ पर रजब और शाबान का महीना है। जुलाई के महीने में यहाँ पर रजब का शाबान का महीना है। 1 जुलाई को फ्राइडे का दिन था और उस दिन यहाँ पर रजब महीने की यहाँ पे 14 तारीख थी। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो 19 को, मतलब 19 जुलाई को यहाँ पे, सॉरी 18 जुलाई को यहाँ पे शाबान की पहली तारीख थी। और जो ईयर जो है इस्लामिक ईयर के हिसाब से ईयर जो चल रहा है शाबान का जो 1397 यहाँ पे चल रहा है। 18 जुलाई को शाबान की पहली तारीख थी, 1 जुलाई को यहाँ पर रजब की 14 तारीख थी और 30 जुलाई को यहाँ पे शाबान की 13 तारीख थी, 31 को यहाँ पे शाबान की 14 तारीख थी। नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा जो है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में आप देख सकते हैं यहाँ पे शाबान का महीना, रमजान का महीना है और शाबान की जो ईयर जो चल रही है 1397। शाबान की जो ईयर जो चल रही है 1397 यहाँ पे चल रही है। शाबान की जो ईयर जो है 1397 यहाँ पे चल रही है। 1 अगस्त को यहाँ पे शाबान की 15 तारीख थी और यहाँ पे उसके हिसाब से कंटिन्यू होता है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अभी हम चेक करते हैं रमजान। तो रमजान की जो पहली तारीख जो थी वो 16 अगस्त, 16 अगस्त ट्यूजडे का दिन था और उस दिन यहाँ पे रमजान महीने की यहाँ पे 1 तारीख थी। 16 अगस्त को यहाँ पे रमजान महीने की यहाँ पे 1 तारीख थी और 31 अगस्त को यहाँ पे रमजान महीने की यहाँ पे 16 तारीख थी। तो ये हमारा हो गया हमारा अगस्त मंथ का। अगस्त महीने के बाद में फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो सितंबर मंथ का। सितंबर के महीने में यहाँ पे रमजान का शावाल का महीना है, रमजान का शावाल का महीना यहाँ पे है सितंबर के महीने में। और इंग्लिश ईयर यहाँ पे जो चल रहा है 1977 और सितंबर के महीने में यहाँ पे रमजान का शावाल का महीना है। तो 1 सितंबर को यहाँ पे रमजान की वो 17 तारीख थी, 1 सितंबर को यहाँ पे रमजान की 17 तारीख थी, थर्सडे का यहाँ पे दिन था। और अभी हम देखते हैं कि शावाल, तो शावाल की जो पहली तारीख जो थी वो 15 सितंबर को, वो भी थर्सडे का यहाँ पे दिन था। 15 सितंबर को शावाल की पहली तारीख थी। रमजान की 17 तारीख जो थी वो 1 सितंबर को, 1 सितंबर को रमजान की 17 तारीख थी। 15 सितंबर को शावल की 1 तारीख थी और 30 सितंबर को यहाँ पे शावल की 16 तारीख थी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा अक्टूबर महीना। अक्टूबर के महीने में यहाँ पे देख सकते हैं कि शावल का महीना है, जुल्कंता का महीना है, शावल का महीना है, जुल्कंता का महीना है। और ये दोनों जो मंथ जो है उसका जो इस्लामिक ईयर हिजरी ईयर जो है 1397 यहाँ पे चल रहा है, 1397 यहाँ पे हिजरी ईयर यहाँ पे चल रहा है। तो 1 अक्टूबर को सैटरडे का दिन था और उस दिन यहाँ पे शावल महीने की 17 तारीख थी।
शावल मैंने कि यहाँ पे 17 तारीख थी 1 अक्टूबर को। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो जुलकद्दा का मैंने यहाँ पे जो कब से स्टार्ट हुआ था 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को फ्राइडे का दिन था, उस दिन यहाँ पे जुलकद्दा मैंने कि यहाँ पे 1 तारीख थी, और 31 अक्टूबर को यहाँ पे मंडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे जुलकद्दा मैंने कि यहाँ पे 18 तारीख थी। तो ये हमारा अक्टूबर मंथ का यहाँ पे हो गया। अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा नवम्बर मंथ का। तो नवंबर के महीने में आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर को यहाँ पे ट्यूसडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे जुलकत्ता मैंने की यहाँ पे 19 तारीख थी। नवंबर के महीने में यहाँ पे जुलकत्ता का महीना है, जुलहिज्जा का महीना है, जुलकद्दा का महीना है, जुलहिज्जा का महीना है यहाँ पे। तो 1 नवंबर को यहाँ पे जुलकद्दा मैंने की यहाँ पे 19 तारीख थी, ट्यूसडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे जुलकद्दा मैंने की यहाँ पे 19 तारीख थी। अभी हम चेक करते हैं कि जुलहिज्जा मैंने की जो 1 तारीख जो थी वो 12 नवंबर को थी, 12 नवंबर को सैटरडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे जुलहिज्जा मैंने की यहाँ पे 1 तारीख थी। 1 नवंबर को यहाँ पे जुलकद्दा मैंने की यहाँ पे 19 तारीख थी, और 12 नवंबर को यहाँ पे जुलहिज्जा मैंने की 1 तारीख थी, और 30 नवंबर को यहाँ पे जुलहिज्जा मैंने की यहाँ पे 19 तारीख थी। कुछ भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में यहाँ पे जुलहिज्जा का महीना है, मोहर्रम का महीना है, जुलहिज्जा का महीना है, मोहर्रम का महीना है। तो जुलहिज्जा महीने की जो ईयर जो है, हिजरी ईयर जो है 1397 है, 1397 है जुलहिज्जा महीने की यहाँ पे। और 1 दिसंबर को यहाँ पे जुलहिज्जा महीने की 20 तारीख थी, थर्सडे का यहाँ पे दिन था। 1 दिसंबर को जुलहिज्जा महीने की यहाँ पे 20 तारीख थी, थर्सडे का यहाँ पे दिन था। जुलहिज्जा महीने की यहाँ पे 20 तारीख थी, 1 दिसंबर को यहाँ पे थर्सडे का दिन था, यहाँ पे उस दिन जुलहिज्जा महीने की यहाँ पे 20 तारीख थी। और अभी ये हमारा जुलहिज्जा का 20 तारीख यहाँ पे होगी। और अभी हम चेक करते हैं कि मुहर्रम महीने की 1 तारीख कभी थी। तो मुहर्रम महीने की जो 1 तारीख जो थी वो 12 दिसंबर को थी। मुहर्रम महीना जो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट मंथ रहता है, फर्स्ट मंथ रहता है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम, जिसमें यहाँ पे इस्लामी न्यू ईयर भी मनाया मनाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर को 1977 इंग्लिश ईयर के हिसाब से 12 दिसंबर को यहाँ पे मुहर्रम महीने की यहाँ पे 1 तारीख थी। और मुहर्रम मंथ के हिसाब से न्यू ईयर स्टार्ट होता है। तो मुहर्रम मंथ से मतलब जब मुहर्रम मंथ जो है तो ईयर स्टार्ट होता है वो 1398 हिजरी ईयर जो यहाँ पे स्टार्ट होता है 1398 यहाँ से स्टार्ट होता है मुहर्रम महीने से। तो 12 दिसंबर को मुहर्रम की यहाँ पे 1 तारीख थी, और 1 दिसंबर को यहाँ पे जुलहिज्जा महीने की 20 तारीख थी, उसका ईयर जो है 1397, और मतलब 12 दिसंबर से मुहर्रम की 1 तारीख थी, और यहाँ से ईयर जो स्टार्ट होता है 1398, और 31 दिसंबर को यहाँ पे मुहर्रम महीने की यहाँ पे 20 तारीख थी। और आपको कुछ भी डाउट है, कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको आपको इंशाल्लाह उसका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। कुछ भी सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैंने इसके अलावा मैंने और सारे वीडियोस अपलोड किया हूँ, 1960 से लेके 1960 से लेके 2020 2022 का जो भी इस्लाम इंग्लिश ईयर है, इंग्लिश ईयर के हिसाब से कौन से ईयर में इस्लामिक मंथ यहाँ पे जो आते हैं वो मैंने अलग वीडियोस अपलोड किया। उसको अगर आपको लिंक चाहिए रहेगा तो मैंने आपकी जो लिंक जो रहेगी वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या तो मुझसे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आपको इंशाल्लाह उसका मैं कमेंट में आपको मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो कुछ भी डाउट है, कुछ सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।